सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की इस हिस्ट्री का ये पेपर आज ही 19 फरवरी 2024 को लिया गया है। हमारे पास यहाँ पर ये पेपर टाइप डी है। सवाल नंबर एक है, सर सैद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश सोसाइटी फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम आन। और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सर सैद ने सबसे पहली विक्टोरिया स्कूल 1863 को बनाई, इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी भी 1863 को बनाई थी और 1875 में MAO कॉलेज का बुनियाद रखा था। इसके अलावा अलीगढ़ सोसाइटी का क़ियाम 1864 को रखा गया था। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। और दूसरा MCQs है, पाकिस्तान रैंक मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, ऑप्शन डी ठीक है। तीसरा MCQs है, दियामीर बाशा डैम एंडस रिवर पर बनाया गया है। सवाल नंबर चार है, अलामा इकबाल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर इन। अलामा इकबाल को सर का खिताब 1923 में मिला था, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर पाँच है, द फर्स्ट बुक ऑफ अलामा इकबाल विच वॉज पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेजेस। अलामा इकबाल का पहला किताब जो कि उर्दू ज़बान में शाया हुई वो बांग दराती, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर छः है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 वॉज कमीशन विद सपोर्ट फ्राम कैनेडा, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर सात है, कैबिनेट मिशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर आठ है, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट। पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई थी 23 नवंबर 1919 दिल्ली, 23 नवंबर 1919, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर नौ है, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्डेड टू नेहरू रिपोर्ट बाय अनाउंसिंग हिज डिश इन ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट। कायद अजम ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 नुकात पेश की थी, ऑप्शन ए देखिए। कब पेश की थी, मार्च 1929 को दिल्ली में, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 10 है, वो मूड द रिजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब बंगाल से AK फजल हक शामिल थी और इसके अलावा पंजाब से मौलाना जफर अली खान थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 11 है, व्हेन द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। वाकया मेराज कब हुआ, 26 फरवरी, जो कि 26 रजब भी थी, 26 फरवरी 621 को, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजमल। ईमान मुजमल का मतलब है द बिलीफ इन ब्रीफ, और ईमान मुफस्सिल का मतलब है द बिलीफ इन डिटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 13 है, व्हेन डेड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू परफॉर्म हज। हुजूर अकरम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा किया था, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6 हिजरी। 6 हिजरी को सुलह हुदीबिया हुई थी बमुताबिक 628 को, द ट्रीटी ऑफ हुदीबिया, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 15 है, व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज। मेराज शरीफ के मौका पर 10 नबवी को नबूवत के 10वें साल 5 नमाजें फर्ज हुई, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 16 है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13 नबवी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारी थी और 13 साल बाद मदीना हिजरत किया था, हिजरत टू मदीना, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इसके बाद 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारी। सवाल नंबर 17 है, द पिलर ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर आर। इस्लाम के अरकान तरतीब के लिहाज से कौन से है, तो ऑप्शन डी देखिए, तौहीद कलमा तौहीद, इसके बाद नमाज है, नमाज के बाद ज़कात, ज़कात के बाद सोम रोज़ा, और आखिरी नंबर पर हज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 18 है, डैश लेटर इज़ मोस्ट यूज्ड इन द होली कुरान। आलिफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 19 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान। कुरान का मतलब है ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, ऑप्शन ए ठीक है।
सवाल नंबर 20 है, वो वॉज द हेड ऑफ द बोर्ड विच वॉज एस्टेब्लिश फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपीज ऑफ मुसाइफ अबू बकर। उसका हेड, बोर्ड का हेड कौन था? हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 21 है, अ पोलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट टेरिटरी एंड हैज ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट विद द पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी, उसी स्टेट कहा जाता है स्टेट। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 22 है, ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय बॉन्ड ऑफ रेस, लोगों का वो ग्रुप जिनकी रेस, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजन जो है ये एक जैसे हो तो उसे नेशंस कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 23 है, अ कंट्री इन विच द टेरिटरी ऑफ बोथ द नेशन एंड द स्टेट कोइंसाइड, उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रूस हाउ मेनी द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, थ्री क्वालिटीज। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 25 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ गुड सिटीजनशिप, पॉवर्टी, डिसहॉनेस्टी, विजडम, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 26 है, द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज सॉवरेंटी, सवाल नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है। तो व्यूअर्स, ये रहा आज होने वाले SST के टेस्ट का पहला हिस्सा। इसी पेपर के बाकी सवालात भी मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह उन सवालात को पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।